सिर्फ रायगढ़ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है और इसका अनुमान हम लोगों को पहले ही लगा था। जिस तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी था और जिस तरह से एक अंडर करेंट था इस पूरे प्रदेश में, मैं तो कई जगह घूमा हूं और मैं इस चीज़ को कई जगह कई मंचों से भी कहा कि इस बार कांग्रेस यहां बहुत भारी संख्या में बहुमत में सरकार बनाएगी करके, और वही आज परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। पर मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को यही कहना चाहूँगा कि आपका धन्यवाद, आपने जो आशीर्वाद प्रेम पूरे छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर खरसियावासी जो इतने ज़्यादा दबाव, इतने ज़्यादा पैसे के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका जो विश्वास है उसको उन्होंने कायम रखा, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनको बहुत बहुत लोकतंत्र बचा है खरसिया में। बिल्कुल, जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर बाहुबल, प्रशासन बल और धन बल का उपयोग किया गया था, आज खरसियावासियों ने बता दिया कि खरसिया का नाम ऐसे ही लोग नहीं जानते। अब आप उनके लिए क्या करेंगे सर? खरसियावासियों के लिए जो काम पिछले 15 साल से रुके हुए हैं, जो उनके भौतिक और डे टू डे जो जीवन में दिनचर्या में जो उपयोग होना है, वो सारी चीज़ों का हम लोग अच्छे से व्यवस्था